पैंट उतार पहले तू जाकर। जैसे हमारे मनोज भाई का फिगर हो रहा है ऐसा किसी का फिगर नहीं मिल सकता। जब लोंडे का फिगर ऐसा तो न समझो जो बहू आएगी उसका फिगर क्या होगा। हेलो मेरे दोस्तों, तुम्हारे क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है। मैं तो बोल अभी निकल गई इसकी आवाज कैसे निकली। हेलो मेरे दोस्तों, तो भैया क्या हाल है आपके? तो दोस्तों मैं आपका भाई टोनी बादशाह, आज के न्यू व्लॉग में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपड़े दिखा दिखा कर। तो दोस्तों हमारे मनोज भाई का भी ब्याह होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते लोंडे वाले देखने वाले आ रहे हैं। तो मनोज भाई ने फॉर्मल कपड़े लाए हैं मार्केट से। ढाई जोड़ी कपड़े लाया हूँ, फॉर्मल ढाई जोड़ी कपड़े लाए हैं। डेढ़ मीटर ये तो डेढ़ मीटर ना है, ढाई जोड़ी है भाई। कौन सा ढाई मीटर का क्या हिसाब है इसमें? अरे यार पैसे कम पड़ गए, तीन पैंट लिया, एक कच्चा कपड़ा लिया और दो पैंट के, दो कमीज के। दो कमीज बस, दूसरे वाले तो निकाल के दिखा देता हूँ। दो दो तो रहे हैं, पैंट तो दो लिया है तू। पैंट तीन है, दो कमीज दो है, चूतिया दो कमीज दो कमीज तो दो है। बात तो ठीक है, पैसे कम पड़ गए मेरे पे। कम सा ले जाता तू, बहुत दो है ना तुम, तुमका खुद नहीं अपने। हां भाई कपड़ा तो बेकार है। बेकार? हां कहां से लाया है कपड़े में? मैं उससे लाया हूं, मुसलमान नहीं है ऐसा। तू तो बैन करन पेटीकोट कपड़ा जी, ऐसी तेजी पेटीकोट का है, कमीज का चूतिया। पेटीकोट का है कपड़ा, कमीज का कपड़ा है 500 रुपए दिया, कमीज का तो 800 का है। तो दोस्तों मनोज भाई को मार रहा है जवानी का जोर। तो दोस्तों इसी हफ्ते सब मनोज भाई को मार रहा जोर भी है नहीं, तुम्हें ना मार रहा चूतिया कोई किसी को ना भैया, मैं नहीं मार रहा, आप तो तुम्हारा लगी पड़ी है। यस, ले होगे ठंडो के मजे, गर्मी कट जाएंगी। जब सारे चूतिया घर वाले करवा रहे, इसमें मेरी गलती है। वो तो चंदा नहीं लेकर ना, पट्टी के दाग भी लिया रहने वाले तो तने दिखाई नहीं। बिया तो हो रहा है, कोई सिंहासन पर थोड़ा बैठ रहा मेरे सूत्र। तो सिंहासन पे भी बैठ ही जाएंगे एक दिन चूतिया। ऐसी तैसी शादी के बाद में कौन सिंहासन में बैठता हूँ दिखाऊ। सही है। तो दोस्तों ये कपड़े अपड़े लेने लेकर आए मनोज भाई, फॉर्मल कपड़े जो लोंडिया वाले के सामने पैर के बैठेंगे। सही लगेगा कि हाँ भी छिचोरा नहीं है लोंडा, नहीं तो वरना मैं तो फटी हुई जींस पहन रहा हूँ, तुम देखते हो यार व्लॉग में, हमें छिचोरे से लगे हैं। तो भैया इसका भी मुंडन हो जाए कुछ दिन बाद, इसकी भी आप शांत हो जाएगी। काम धंधे को पूछ रहे थे लड़का क्या करता है, मैं व्लॉग बनाते हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी हाथी, मैंने की दो फैक्ट्री लोंडे के नाम जब तुम्हारा अभी से हाथ कांप रहा है तो रातों को क्या कांप होगा? अब तो लोगे शादी के मजे क्या है, घोसड़े बार बार मारते हैं। अब तो लोगे रातों के मजे, अब तो बेड भी टूटेगा, खाट भी टूटेगी जी, ऐसी तैसे टूटेगी, उसका लोंडे का शरीर टूटा पड़ा। यार तुम मारा करो मत, शरीर में जान नहीं है मेरे। बहुत आदमी आएगी ना नहीं। अब नो बताओ कौन से यहाँ से लूँ, कौन से लाए बड़े कपड़े? विशाल वाले के यहाँ से लुवाने। बढ़िया हो लौंडा, अपनी अपनी फोन पे लगा रहा हूँ। लैन बास तो है पर भाई बात का ही कर रहा है, पता ना साला धागा कहीं और चला हुआ। सारी बच्चों ने यही कर दो, चले चलो। हाँ तो चलो चल चल, तो आईने रख ले, आगे चलो। हाँ तो चलो लोग यही निकाल दिया। हाँ तो भाई तो दोस्तों हम चल दिया, हम मिलते हैं तुम आगे। तो दोस्तों हम घर से बाहर निकल चुके हैं। तो मनोज भाई मैं बेकार हूँ यार, कपड़े में मजा नहीं आया। भैया गलती मान तो ली, और हाथ जोड़े मान तो ली, वो तो बात ठीक है। अगर ऐसी कर्म रहे तो लोंडिया वाला तुमसे हाथ जोड़ लेगा। काम कर क्या और दुकान आने वाली है। तो दोस्तों अब आ गए हम दर्जी की दुकान पर। ये देखो ये है रंडुआ दल संगठन। देखो ये जो सारे दर्जी जो है, सारे के सारे किसी की सेटिंग नहीं मिलेगी, सब बेचारे घर से बस। भैया पियो, ऐसी गर्मी में तुम ही चाय पियो, भगवान खूब दे तुम्हें चाय, दूध ना दे। लड़की देखने वाले आ रहे हैं घंटा। भैया तुम सीरियस कैसा रहो, कैसा कोई कह का मरगा ना, बोलना ना बिल्कुल भी। ले ले ये इसको तो लेगा। आ गया, पैंट उतार पहले तू जाकर। अरे नीचे को देख ले, दूसरे कुर्ते का नाश करवा। हाँ आंखों में तेरी में चर्बी आ रही दिखे। हेलो, ये देखो ये है सस्ता दर्जी, ज्यादातर कपड़ों का नाश ये करता। भैया बहुत लगा रहे हैं। चाचा जिंदगी बढ़िया चल रही है, तुम बहुत चाय में घूट मार रहे हो। अरे मेरा बलियान सी दिया था ना भैया, फिटिंग करने को गई हो। बलियान देगी आ तू? अरे बलियान को छोड़ देगी, भीड़ कितनी हो रही है सड़कों पर। एक से एक कमन चल रहा है। मास्टर साहब जी हाथ हिलाने से कुछ नहीं होने का, हाथ हिलाते रहो पूरी जिंदगी। मोनो सब कुछ छोड़ भैया को फोकस मार, भैया का दिल टूटा पड़ा। क्या हाल है भैया, सब बढ़िया? काम धाम बड़े चल रहा? काम ही तो ना चल रहा तुम्हारे जैसे। हाँ भाई तो क्या हाल है? कोई तो सेटिंग। क्या डोर क्यों तंग कर रहा है बुढ़े आदमी को, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मनोज बढ़िया तरीके से फिटिंग विटिंग दी है बेटा, एक घंटे बाद कर लेंगे जैसे ही कर लेंगे।
A few hours later. तो दोस्तों मनोज भाई अपना नापा देते हुए सही से ले हो भैया देख रहे हो जैसा हमारे मनोज भाई का फिगर हो रहा है ऐसा किसी का फिगर नहीं मिल सकता। जब लोंडे का फिगर ऐसा तो समझो जो बहू आएगा उसका फिगर क्या होगा। जीरो फिगर है हमारे दोस्त का, जीरो फिगर देखो साले तेरी बहू भी जहर खाए किसी के चक्कर में। बस क्या कर रखा बताओ लोंडिया वाला इसे कैसे देखने आ रहे हैं साले शरीर में कुछ नहीं। आप देखिए कितना कमजोर हो रहा है इसका। दिक्कत मुझे नहीं हो रही है भाई तेरी बहू आएगी मैं सेट करूंगा भाई साहब मेरे चक्कर में जहर खाए। सही सा कपड़ा महंगा वाला ला आयो कितने पे मीटर वाला मनोज? हजार ऐसी तैसी हजार हजार की शिकल है तुम्हारी है डेढ़ सौ रुपए दो वो भी ठेले पैसा। भाई सर कोने में को ले जाऊँ ना आपका सही सा लो इसका ले भाई फोन पकड़ बहुत कारोबार चल रहे तेरे फोन पकड़ने के लिए। हाँ मनोज लोंडिया का मैसेज आ रहा मैं घर खा लूंगी देख रहे हो भैया देख रहे हो तो क्या देते हैं यही तो है जो देख रहे पेटी ऐसी कर दियो सब दिखा दे स्टाइलिश जब तो पसंद करेंगे इस तरह। भैया कुछ नहीं समझ रहे तुझे पीछे कुछ ना होता सीन क्यों ना लेने दे रहा तू हैं हैं अरे शर्मा जी राम राम गरीब आदमी जय हिंद। थोड़ी चोरी सी ना देखो यार बंद कर लो यार खटखट को दो मिनट का भी लोग रह रहा हमारा। तो दोस्तों मनोज भाई ने नापा दे दिया है। अरे दे दे नापा था ना दे दिया था ना दे दिया और क्या दे रहा हमें भी दे दे 1150 ले लियो। अरे वो निकल जा यार पूरा हो गया बन गई बिलो ना 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 बिलो नहीं पूरा अरे पूरा काम हुआ और क्या ले लिया जय श्री राम यार। अबे क्या कह रहा था क्यों बोल रहा सीरियस आ चले राम जी का चाचा आपका फॉर्च्यूनर लेने की सोच रहे हैं फरारी माया बाबरा कोई नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं घर की तरफ मनोज भाई ने नापा दे दिया है आज भी आ जा। तो दोस्तों हम मनोज भाई के कपड़े देकर टेलर के यहाँ आ चुके हैं और भैया टेलर कह रहा कि हफ्ते भर बाद मिलेंगे कपड़े। तो हफ्ते भर बाद तुझे वो देखने वाले आए हैं लोंडे वाले कोई बात ना पहले ले लेंगे थोड़े से तो कोई नहीं। तो दोस्तों हम इस व्लॉग का कर रहे हैं चुप है अब मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का एंड। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का एंड। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो भैया हमारे व्लॉग को हर जगह शेयर करो और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।